लोकसभा चुनाव 2014 में था। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिलकर बंपर जीत हासिल हुई, लेकिन सिलसिला यूपी में आकर ठहर गया। त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर में भगवा फहराने के जश्न की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी। गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा के होश उड़ा दिए। एक वर्ष पहले ही इन लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की सभी सीटें भाजपा ने बड़े अंतर से जीती। दोनों सीटें यूपी की मौजूदा राजनीति में दो बड़े प्रभावी चेहरों की प्रतिष्ठा से जुड़ी थी। जाहिर है कि नतीजे भाजपा संगठन व भारत तो सरकार दोनों के लिए कई सबक और संदेश लेकर आए। भाजपा के रणनीतिकार गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि एक वर्ष पहले तक जिन सीटों पर जनता की पहली पसंद भाजपा थी, वहां लोगों ने उसे किन कारणों से खारिज कर दिया। इस हार को चुनौती मानकर इनके संदेशों की सच्चाई स्वीकार कर इन्हें नए सिरे से अगले चुनाव की तैयारी करनी होगी। बसपा के समर्थन के बाद सपा को मिली जीत आगे भी विरोधियों को मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ने की ताकत देगी। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस हार पर भाजपा को आईना दिखाते हुए संगठन की हार करार दी। साथ ही आत्ममंथन और कार्यकर्ताओं की चिंता करने की सलाह देते हुए चेताया कि सुधार न हुआ तो परिणाम आगे भी बुरे होंगे। ये परिणाम बुरे हुए और कहीं न कहीं भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने हार देखी। गोरखपुर संसदीय सीट के उपचुनाव में बड़ा उलटफेर तो हुआ ही। सपा ने 29 साल बाद भाजपा का किला ठहराया। 21,881 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा और यह झटका बड़ा करंट की तरह होगा। हिल गए होंगे योगी आदित्यनाथ। यह सीट योगी आदित्यनाथ के सांसद पद छोड़ने के बाद खाली हुई थी। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और प्रतिष्ठा अब मट्टी पलीत हो गई। 1990 के आसपास से ही यह सीट गोरक्षपीठ और भाजपा के पास थी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस बूथ पर वोट डाला वह बूथ भी अपशगुनी हो गई भाजपा के लिए और हार गई भाजपा इस सीट इस बूथ पर। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की मतगणना बुधवार को सुबह 8 बजे जब शुरू हुई तो पहले चरण की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला आगे रहे। दूसरे चरण की मतगणना से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद ने बढ़त बनाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। बसपा सपा 20 निषाद और रालोद वामपंथी दलों के समर्थन से बीजेपी को इस चुनाव में बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी और साइकिल धड़धड़ाकर दौड़ गया। साइकिल ने हाथी का सहारा क्या लिया, हाथी ने तो एक ही सूंड के वार से उठाकर फेंक दिया उस जगह पर जहां जीत का पाला दिखाई दे रहा था और समाजवादी पार्टी जीत गई। हाथी भी गदगद है, साइकिल भी तेज रफ्तार में दौड़ी और पहुंच गई जीत के अपने पाले में। साइकिल और हाथी के इस सवारी ने लगभग जीत की स्वाद से यह एहसास करा दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अगर अभी नहीं संभले तो 2019 के चुनाव में भी इसी तरह की हार का सामना आपको करना पड़ सकता है और केंद्र में सरकार हो सकता है किसी और की बने और हो सकता है भाजपा की बने, लेकिन इस टक्कर के साथ में, इस मुकाबले के साथ में कई संदेश छोड़ते हुए कह गई है सपा बसपा कि हम जहां तक स्थापित हैं आपको हम धूल चटा देंगे भाजपा। और कभी लगभग साबित कर दिया कि धूल चटाने ये सपा बसपा पीछे नहीं। बड़ी बात तो ये रही कि जहाँ पर वोट डाला गोरक्ष धाम के मठ रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खैर, इस पूरे खबर के लिए इतना ही। एंटी करप्शन न्यूज़ एंड